दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल YouTube हिंदी में और मैं हूं परवीन। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके सामने हरियाणा कंडक्टर का पेपर जो 17 सितंबर को हुआ था उसका सॉल्यूशन। इससे पहले मैं आपके सामने हरियाणा कंडक्टर का ही 10 सितंबर का पेपर लेके आया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे जो छोटा सा आइकन निशान है वहाँ पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके और जनरल जीके सोल्व करके लेके आया हूँ। ये पार्ट वन है। पार्ट सेकंड में मैं आपके लिए रीजनिंग और मैथ लेके आऊंगा। तो चलिए, आपका कीमती समय ज्यादा न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है, अली अली का समरूपी भिन्नार्थ क्या है? तो देखिए, जो पहला अली है इसका मतलब होता है भवरा और जो दूसरा अली है इसका मतलब होता है सखी। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि भवरा और सखी। आगे है क्वेश्चन नंबर दो, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि चहार तिवारी एकदम राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो देखिए, इसके अंदर जो ये अंगूर है ये एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द है। आगे है क्वेश्चन नंबर चार, पिटाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए, जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, और जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, पिटाई के अंदर जो आई है वो शब्द के पीछे लगा हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर पांच, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सूर्य का समानार्थी अर्क है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर छह, कामदेव शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि मदन, कंदर्प और रतिपति, ये हैं कामदेव के पर्यायवाची। इसके अलावा जो गजानन, लंबोदर और एक दंत है ये है गणेश के पर्यायवाची, और जो भगवान दीन बंधु इस हैं ये हैं प्रभु के पर्यायवाची, और जो यक्षराज, धनद और धनपति हैं ये हैं कुबेर के पर्यायवाची। आगे है क्वेश्चन नंबर सात, धूप में चला नहीं जाता इस वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर है भाव, यानी कि ए, यह वाक्य एक भाववाच्य वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में जो व्यक्ति है वो बता रहा है कि धूप में चला नहीं जा रहा है तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। तो चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ। यहाँ पे पूछा हुआ है कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ है, इसमें कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो देखिए, आप इस वाक्य को गौरपूर्वक पढ़िए कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ है। तो यहाँ मृत्यु से नहीं होता है, मृत्यु का होता है, कि शास्त्री जी की मृत्यु का हमें बहुत बड़ा खेद हुआ है। तो इसका राइट आंसर है सी, ये अशुद्ध वाक्य है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नौ, बेरहम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए, बेरहम में जो ये बे है ये शब्द के आगे लगा हुआ है, तो ये बन गया बेरहम। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, जो किए गए उपकारों को मानता है, तो इसके लिए राइट आएगा बी। देखिए, ये मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाया, तो इसका राइट आंसर है कर्तज्ञ, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है तो आ जाता कर्तघ्न। तो चलिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर हमें प्री पोजिशन छाटनी है। तो देखिए, यहाँ पे वर्ड है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड यू डैश योर प्रमोशंस, तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ऑन योर प्रमोशन। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर हमें आर्टिकल छाटने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डैश सहारा इज द वर्ल्ड बिगेस्ट डिजर्ट, तो देखिए इसका राइट आंसर है बी, यानी कि द सहारा इज द वर्ल्डेस्ट बिगेस्ट डिजर्ट, इसका मतलब है जो सहारा है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर भी हमें आर्टिकल छाटना है। आई स्पोक विद डैश चाइनीज फिल्म डायरेक्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट, तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि द चाइनीज फिल्म डायरेक्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इस वर्ड का सिनोनियम छाटना है, यानी कि इस वर्ड का हमें समानार्थी शब्द छाटना है। तो देखिए, इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है प्रभावित या फिर क्षमता, तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब भी होता है प्रभावित या फिर क्षमता। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर हॉस्टिलिटी दे रखा है, इसका मतलब होता है शत्रुता, और जो केयरलेस दे रखा है इसका मतलब होता है लापरवाह, और जो फ्रंट साइड होता है इसका मतलब होता है सामने की तरफ। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया हुआ है वन हु टॉक्स टू मच, इसका मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो उसको बोलते हैं बी, यानी कि ग्रूलस, इसका मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर इलॉजिकल लिख रखा है, इसका मतलब होता है जो तर्कहीन होता है, जिसका कोई तर्क नहीं होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर
प्रेग्नेबल, इसका मतलब होता है जो बल से छीनने योग्य हो, और जो यहाँ पे डी दे रखा है क्वाइट, इसका मतलब होता है कॉफी। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखिए एक वर्ड दे रखा है फीकलेस, जिसका मतलब होता है लापरवाह। तो इसका हमें ओपोजिट वर्ड यानी कि विपरीतार्थी छांटना है। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि जो लापरवाह होता है और उसका विपरीतार्थी होता है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है परवाह करने वाला। अगर हम इस वर्ड का सिनोनियम छांटते यानी कि इसका समानार्थी छांटते तो हम केयरलेस लिख सकते थे, क्योंकि केयरलेस का मतलब भी यही होता है जो लापरवाह होता है, जो किसी की चिंता नहीं करता है। इसके अलावा जो सी है अनलकी, इसका मतलब होता है अशुभ, और जो वीक है इसका मतलब होता है कमजोर। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे हमें नाउ ए डे खालिस्तान अटैक आर कॉमन इन द पॉलिटेक्निक्स एंड पीपल डू नॉट बोथर टू टेल लाई, इसके अंदर हमें ये रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है। तो इसका राइट आंसर है स्लैंडर्स, इसका मतलब होता है निंदात्मक। इसके अलावा देखिए वॉर्कियस है, वॉर्कियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाने वाला, और यहाँ पे दे रखा है बेस्ड, बेस्ड का मतलब होता है रुका हुआ, और जो स्किल्ड है इसका मतलब होता है कुशल। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ए हैटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि मोसोचिस्ट, इसका मतलब होता है जो सीखने में ज्ञान से नफरत करे उसे मोसोचिस्ट बोलते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे है मोसोलॉजिस्ट, जिसका मतलब होता है पीड़ा भोगी यानी कि जो दुख में भी आनंद लेता है, और इसके आगे है समार्टिन, इसका मतलब होता है जो धार्मिक नीति का अनुयायी हो उसे समार्टिन बोलते हैं। आगे है मिसोजिनिस्ट, इसका मतलब होता है जो स्त्री जाति से नफरत करे। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे हमें आइटम्स का मतलब बताना है इन कोल्ड ब्लड, जिसका मतलब होता है जो काम सोच समझकर किया जाए। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि डेल बर्टली, इसका मतलब होता है जानबूझकर। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर भी आइटम्स दिया हुआ है, हमें इसका मतलब बताना है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, जिसका मतलब होता है दिन दुगनी और रात चौगुनी यानी कि जो कई गुना वृद्धि करे। तो इसका राइट आंसर है वेरी फास्ट, ए इसका राइट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक हरियाणा से संबंधित नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर है बी कपिल शर्मा, कपिल शर्मा पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं, ये एक प्रसिद्ध कॉमेडियन स्टार हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता देता हूँ जो नेकी राम शर्मा है ये हमारे हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि हैं, और ये हमारे हरियाणा के रोहतक से संबंध रखते हैं। इसके अलावा जो कल्पना चावला है ये हमारी हरियाणा की सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है जो कि करनाल से संबंध रखती है, और जो भगवत दयाल शर्मा है ये हमारे हरियाणा के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री हैं जो कि झज्जर के बेरी गांव से संबंध रखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र सरकार बागवानी मिशन परियोजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार को कितना अनुदान अनुमोदित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 109.29 करोड़ रुपए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है हमें वो ज्ञात करना है। तो देखिए ए जोगिंदर सिंह एक शिक्षणविद व साहित्यकार है, ये बिल्कुल राइट है। इसके बाद है डॉक्टर रंजीत सिंह गायक था पाठक है, ये भी बिल्कुल राइट है। इसके बाद है उदयमान भानुहंस एक उर्दू कवि है, ये देखिए यही हमारा आंसर है क्योंकि उदयमान भानुहंस एक हिंदी कवि है ना कि उर्दू कवि, ठीक है। इसके अलावा जो जैमिनी है वो एक कवि है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर है सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर सन 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी, इसीलिए नवंबर माह में हरियाणा दिवस बनाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा के कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं। तो देखिए पहले 4 मंडल थे हरियाणा के अंदर, अब ये 6 हो चुके हैं। तो पहले 4 कौन कौन से थे, वो थे हिसार, अंबाला, रोहतक और गुरुग्राम, ये 4 मंडल थे, और अब 2 नए मंडल और बना दिए गए हैं फरीदाबाद और करनाल। तो ये 2 नए मंडल बनने के बाद हमारा राइट आंसर हो गया है बी यानी कि 6 मंडल टोटल हरियाणा में हो चुके हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न का मूल्यांकन कीजिए। पहला है बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर की स्थापना हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सन 1952 में जुगल किशोर बिरला के द्वारा की गई थी। उसके बाद है अग्रोहा, अग्रोहा धाम की स्थापना सन 1976 और 1984 के बीच हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन के द्वारा की गई थी। आगे है रूडमल मंदिर, रूडमल मंदिर की स्थापना 1892 में झज्जर के बेरी गांव में की गई थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी।
आगे है क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश के साथ साझा है। हिमाचल प्रदेश के अलावा हरियाणा की सीमा राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है डी, 1 अप्रैल 1999, यह करनाल के अंदर शुरू किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा सरकार में संसदीय मामलों का विभाग किसे सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ जिले से MLA हैं। इसके अलावा इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट और म्यूजियम विभाग के मंत्री भी नियुक्त किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि पलवल में। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय पंचवटी स्थान पर ही विश्राम किया था। इसके अलावा यहाँ पर सती का स्थान भी स्थित है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा में चिश्ती पंथ की स्थापना शेख फरीद द्वारा की गई थी, वे इस नाम से भी जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि फरीदुद्दीन सकारगन। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, जिस प्रकार से विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग से संबंधित हैं, उसी प्रकार से गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि गीता जुत्सी एथलेटिक्स से संबंधित है, ये एक धावक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि पानीपत के अंदर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल का जन्म सन 1927 में हमारे हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था और इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे जो सही नहीं है हमें वो ज्ञात करना है। तो देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर स्थित है, ये बिल्कुल राइट है। इसके बाद कैथल के अंदर नवग्रह कुंड है, ये भी बिल्कुल राइट है। इसके अलावा देखिए रोहतक के अंदर तिलियार लेक है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए जो करनाल के अंदर हथनी कुंड है, ये हमारा आंसर है। तो ये जो करनाल के अंदर हथनी कुंड नहीं है, हथनी कुंड पड़ता है हमारे हरियाणा के यमुनानगर जिले में। तो हमारा राइट आंसर है डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, टोडर मल जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि भूमि राजस्व सुधार के द्वारा। टोडरमल महान शासक अकबर के नवरत्नों में से एक थे और टोडरमल ने ही भूमि पैमाइश की शुरुआत की थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा में राजा जनमेज का संबंध किस नगर से है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि सफीदों से, जो हमारे हरियाणा के जींद जिले में पड़ता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा सरकार ने डैश की अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण पर रखरखाव के लिए ग्राम स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया था? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सरपंच की अध्यक्षता के अंदर। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर 400 से अधिक गौशालाएं स्थित हैं। देखिए शुक्र और यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह, ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं। इसके अलावा शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है और यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 42, वायु का कितना भाग ऑक्सीजन है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 1/5 भाग ऑक्सीजन है। इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर। जल्दी ही मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप दूसरा पार्ट भी मैथ और रीजनिंग का आसानी से देख सकें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर है सी, इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी पर बर्फ का सबसे अधिक द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर पूरी पृथ्वी की 90% बर्फ पाई जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य एक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, सूर्य एक तारा है जो कि हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि लगभग क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि जो जो देश भूमध्य रेखा के पास पड़ते हैं वहां पर दिन की अवधि 12 घंटे के आसपास होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 53, एशियाई सिंहों का घर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई सिंहों का घर कहलाता है, क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा शेर यहीं पर पाए जाते हैं। यह हमारे भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। इसके अलावा देखिए जो ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह हमारे भारत के उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में पड़ता है। और जो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है, यह हमारे भारत के मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यह हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 54,
पहला रासायनिक विस्फोटक बारूद किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सल्फर, काठ कोयला और पोटेशियम नाइट्रेट का। आगे है क्वेश्चन नंबर 55, जेब्रा लाइंस उपयोगी होती हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, पैदल सड़क पार करने के लिए। इसके बाद है बैटरी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि वोल्टा ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे पूछा हुआ है कि निजी वाहन में ले जाए जाने वाले अनुमत यात्रियों की संख्या इनमें से अभिलिखित होती है, तो जो निजी वाहन होते हैं उनके लिए परमिट अनिवार्य होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि परमिट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60, जो विकल्प दूसरे तीन विकल्पों को आमतौर पर शामिल करता है उसका चयन कीजिए। देखिए गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों के तीनों राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, राज्य। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी रक्त वाहिनी रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि धमनियाँ। और जो सिराएँ होती हैं ये रक्त को हृदय के पास लेके आती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, भारत मेजर में उस ब्रिटिश लेखक का नाम बताइए जिसने द जंगल बुक और किम लिखी है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि रूडयार्ड किपलिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से वातावरण में डैश के उत्सर्जन के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, भोजन के ऊर्जा मूल्य को किस में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि कैलोरी के अंदर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, 2017 विश्व मॉस्किटो डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह पहली बार सन 1987 में बनाया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 68, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी नामक फिल्म में क्रिकेटर एमएस धोनी की भूमिका किसने निभाई है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 69, शीतोष्ण घास स्थल की सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि गन्ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, इस आयत में अंकित चिन्ह क्या है? देखिए इसमें कोई भी चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ये एग्जामिनर के द्वारा मिस्टेक किया हुआ है। तो शायद इसका आंसर बी हो सकता है, ये एक सूचनात्मक निशान हो सकता है, इसके बारे में आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा भारतीय खिलाड़ी दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में शारीरिक गतिविधि के लिए WHO के गुडविल राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह भारत के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 73, प्राथमिक वर्ण कौन से होते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है ए, यानी कि लाल, हरा और नीला प्राथमिक वर्ण होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, कई मेरे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर माउंट एवरेस्ट लगा देंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि माउंट एवरेस्ट है वो हमारे देश भारत में नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में पड़ता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है भारतीय क्षेत्र में, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। हमारा राइट आंसर आएगा सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारे भारत के सिक्किम जिले में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। और जो माउंट एवरेस्ट है यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में पड़ता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके अलावा जो नंगा पर्वत है इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है, और जो नंदा देवी पर्वत है इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा भारतीय शहर हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा प्रदान करने वाला पहला शहर होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि बेंगलुरु। आगे है क्वेश्चन नंबर 76, किस संयुक्त राष्ट्र संस्था का मुख्यालय पेरिस में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि यूनेस्को का। यूनेस्को की स्थापना सन 1945 में की गई थी। इसके अलावा देखिए यूनिसेफ है, ये एक बच्चों के हित में कार्य करने वाली संस्था है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना USA के अंदर न्यूयॉर्क में की गई थी। इसके बाद जो FAO है, इसकी फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना इटली के रोम में की गई थी। इसके अलावा जो ILO है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में की गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 78, तक्षशिला के उस सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि पाणिनि ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 80, विषम का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर अप्रैल, जुलाई, मई और मार्च दिए हुए हैं। जुलाई, मई और मार्च के अंदर 31 दिन होते हैं, लेकिन जो अप्रैल होता है इसके अंदर सिर्फ 30 ही दिन होते हैं, तो ये सबसे अलग है, तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय वित्तीय वर्ष किस दिन प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 1 अप्रैल से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, सर्वेक्षण 2011 के अनुसार सबसे लंबी सतही सड़क वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि महाराष्ट्र।
तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। जिस प्रकार से बारिश का संबंध पानी से है, उसी प्रकार से ज्वालामुखी का संबंध किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, ज्वालामुखी का संबंध लावा से होता है। आगे देखिए, ये थोड़ी सी धुंधली फोटो आ रही है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। देखिए, व्हेल, मगरमच्छ और ऑक्टोपस, तो ये सभी जीव पानी में रहते हैं, लेकिन जो शेर है वो पानी में नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि सिंह। आगे है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर वरुण, यूरेनस और बृहस्पति के उपग्रह हैं, लेकिन जो शुक्र ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है सी, शुक्र। देखिए, यहाँ पे मैं आपको वरुण के बारे में बता देता हूँ। इसके चारों ओर अति शीतल मिथेन के बादल भी छाए हुए हैं और इसे हरे रंग का ग्रह भी बोला जाता है। इसके उपग्रह में सबसे प्रमुख उपग्रह है, उसका नाम ट्रिटान है। इसके बाद है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो सबसे मेन उपग्रह है वो है ग्यानीमेड। इसका रंग पीला है। आगे है क्वेश्चन नंबर 88। सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि नेल्सन मंडेला। देखिए, नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई सन 1918 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 89। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि देहरादून के अंदर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। किस तत्व की कमी से भूख नहीं लगती है और शरीर का विकास कम हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि जिंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि श्री वेंकैया नायडू ने। इसके बाद है 94। हाल ही में दिवंगत विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि इजराइल क्रिस्टल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर दृश्य सिंह कितने हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर दृश्य वर्ड दे दिया गया है। दृश्य का मतलब होता है जो दिखाई देते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा तीन। तीन ये हमें दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर दृश्य वर्ड नहीं आता तो हम यहाँ पर इसका राइट आंसर चार लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर दृश्य दे दिया है तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि तीन ये हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस खेल से डेविस कप संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि यह टेनिस से संबंधित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि रतौंधी। इसके अलावा देखिए, जो रिकेटस रोग है यह विटामिन डी की कमी से होता है और जो बेरी बेरी रोग है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 99। वह गैस जिसे सामान्यतः हास्य गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, वाहन अतिभार ओवरलोड नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होता है बी, यानी कि वाहन का मैकेनिक देखता है कि हमारा वाहन ओवरलोड है या नहीं है। दोस्तों, अगर आप मेरी ये इन्फॉर्मेशन PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो के यहाँ नीचे जाइए और यहाँ पे आप शो मोर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ये लिंक दिखाई देगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये 5 सेकंड का टाइम दिखा रहा है, आपको 5 सेकंड तक यहाँ पर वेट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे स्किप दिस एड पे क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे ही आप स्किप दिस एड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये PDF फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। आपको बस करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ नीचे कॉर्नर पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये फाइल 4.5 MB की है और ये देखिए कंप्लीट डाउनलोड हो चुकी है। आपको इसे ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दीजिए। आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल में ये इन्फॉर्मेशन PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। ये देखिए, आप यहाँ इसे देख सकते हैं। और यदि आप स्लो इंटरनेट कनेक्शन के कारण मेरी यूट्यूब्स वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आपको मेरी इस वीडियो के यहाँ नीचे जाना है और शो मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप मेरी वेबसाइट haryanadistrict.blogspot.in पर भी जाकर ये सभी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो इस वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर भी आप मेरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आप आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।